अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ अमेजिंग 4 DIYs बताऊंगी जो कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बना रही थी एक डायरी, जो कि एक नोटबुक मैंने हस्बैंड से मंगाई थी, और इसमें मैं अपने यूट्यूब के वीडियोज़ जो भी मुझे लिखना होगा, जो मुझे शेड्यूल करना है, इसके लिए मैंने ये वाली डायरी नोटबुक मंगाई थी। तो ऊपर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ये वाला वॉलपेपर इसे मैंने मंगाया था मीशो से, जो कि जस्ट 100 या 110 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो ये बढ़िया सी हमारी एक डायरी बनकर रेडी है। इसका लुक आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड DIY की तरफ। तो अमेज़ॉन के आपके पास कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस होंगे ही, तो मैंने पहले इसके ऊपर वाले साइड्स के जो भी साइड्स है इसे कट कर लिए हैं। देन उसके बाद सेम वॉलपेपर का भी यूज़ कर एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। आप चाहे तो क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास कोई भी वेस्ट मटेरियल है क्लॉथ का तो उसे स्टिक कर सकते हो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, या फिर हॉट गन ग्लू गन की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हो। मेरे पास ये वॉलपेपर था तो फिर मैंने इसे इस तरह से 4 साइड्स पर लगा दिया है, और एक हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें आप कोई भी सामान वगैरह रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने टॉप्स वगैरह रखने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ, क्योंकि अलमीरा में आप ऐसे ही ओपन क्लॉथ्स रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेगा, बट अगर आपके पास इस तरह के बॉक्सेस होंगे तो आप इस तरह के बॉक्स को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, एंड बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे आपके क्लॉथ्स आ जाएंगे। तो मैं बेसिकली मैं अपना टॉप्स रखने के लिए ये वाले बॉक्स को बना रही हूँ। पहले मैंने मेज़रमेंट करके अच्छे से कट कर लिया है, एंड देन स्टिक कर दिया है। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र जो है बनकर रेडी है। एंड ऊपर वाले साइड के जो भी मैंने ये पोर्शंस को कट किए थे, इसे मैंने टेप की हेल्प से स्टिक कर दिया है, ताकि मैं इसमें एक पार्टीशन बना लूँ। तो अगर आप पार्टीशन नहीं बनाना चाहते हो, ऐसे ही रखना चाहते हो, तो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा था, तो फिर मैंने इसे पार्टीशन कर इसे टेप की हेल्प से लगाया है, एंड वॉलपेपर के हेल्प से इसे स्टिक कर दिया है। तो एक सेंटर में एक पार्टीशन बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपने जो भी क्लॉथ्स है उसे एडजस्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारा स्पेस बन जाएगा, एंड आपके काफ़ी सारे क्लॉथ्स इसमें आ जाएंगे। तो आप भी बनाइएगा, वेस्ट कार्टून को फेंकिएगा मत, आप भी इसे यूटिलाइज़ कर इस तरह से बना सकते हो। आपको कैसे लगा ये वाला DIY ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड कल से प्रॉपर रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी तरफ़ से आप सभी को रमज़ान मुबारक, और रमज़ान के रेगुलर व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इफ्तार रूटीन जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये वाला कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3rd DIY की तरफ। आपके पास इस तरह से पॉलीथीन बैग्स होंगे ही, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से एक गिफ्ट बॉक्स गिफ्ट बना सकते हो, यानी कि आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपली ये वाला वॉलपेपर को माप करके कट करके लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने अलीशा के नोटबुक्स वगैरह रखने के लिए ये वाला कवर को यूज़ किया है, क्योंकि बच्चों का ईयर भी ख़त्म होने ही वाला है। तो नेक्स्ट ईयर मैं अलीशा के लिए न्यू बैग्स परचेस करूँगी। अभी के लिए मैंने ये अलीशा के लिए बनाया था। इसके सारे स्लेट नोटबुक्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो आप चाहे तो किसी को गिफ्ट करने के लिए भी इस तरह से यूज़ कर एक गिफ्ट पैकिंग का आपको मिल जाएगा, तो आप बना सकते हो। ये वाला आइडिया कैसा लगा है ना आपको, ये वाला कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा लास्ट DIY की तरफ, जो कि मेरा ये टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स था, जो कि काफ़ी वेस्ट था, काफ़ी दिनों से ऐसे ही था। तो फिर मैंने इसका ऊपर वाला साइड को इस तरह से कट कर दिया है, एंड साइड पर ग्लू लगा कर स्टिक कर दिया है, ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए। देन सेम वॉलपेपर को ही लेकर के मैंने
साइड पर माप करके अच्छे से स्टिक कर दिया है। तो बेसिकली हम ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, ये सेंटर टेबल पर आप यूज़ कर सकते हो बॉक्स को, या फिर किचन में काउंटर टॉप के पास यूज़ कर सकते हो। जिस भी तरह से आपको नीड है उस तरह से आप इस तरह के बॉक्सेस को फेंकिएगा मत, यूज़ कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो पहले यहाँ पर मैंने फेविकॉल लगा करके इसका अंदर वाले साइड को अच्छे से स्टिक कर दिया। आप चाहे तो कोई भी पेंट वगैरह भी कर सकते हो, बट मेरे पास वॉलपेपर था तो फिर मैंने वॉलपेपर लगाया है। आप चाहे तो कोई भी क्लॉथ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गिफ्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप किस तरह से बनाते हो। एंड अंदर वाले साइड पर मैंने इस तरह से लगा करके रख दिया है ताकि ये स्टडी बन जाए। एंड लुक एट द बॉक्स, ये बहुत ही अच्छा सा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। इसमें मैंने डेकोरेट किया है अपने फ्लावर एंड जो भी मैं डे टू डे यूज़ करती हूँ हेयर क्लिप्स वगैरह। तो ये कांच के दो बॉटल्स थे मैंने रख दिए थे, एंड एक फ्लावर पॉट मैंने रखा, एंड यहाँ पर मैंने ये मेरा DIY ग्लास का शोपीस मैंने रख दिया। आपको कैसा लगा ये वाला ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इनमें से आपको कौन सा DIY अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अनदर व्लॉग से। कल से मेरे आपके साथ रेगुलर व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें सहरी टू इफ्तार का व्लॉग होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।